हेलो मम्मी एंड डैडी नमस्ते। नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है इंदु। आज के वीडियो में मैं नवजात शिशु बार बार पतली पोटी किन किन वजहों से करता है उसे समझकर आप क्या क्या सावधानी बरत सकती हैं और कौन कौन से घरेलू उपाय अपनाकर आप अपने बच्चे को इस तकलीफ़ से निजात दिला सकती हैं, कौन सी ऐसी परिस्थिति होती है जब आपको अपने बच्चे को लेकर तुरंत डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता होती है, यही बताने जा रही हूँ। वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि जो न्यू पेरेंट्स होते हैं उन्हें भी इनकी जानकारी हो जाए। 0 to 3 मंथ के बच्चे बार बार पोटी करते ही हैं, ये नॉर्मल होता है। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि बच्चे को जो दूध आप दे रही हैं, यानी अगर आप ब्रेस्ट मिल्क दे रही हैं तो ब्रेस्ट मिल्क बहुत लाइट होता है और बहुत जल्दी बच्चे को डाइजेस्ट हो जाता है। बहुत जल्दी अगर बच्चा दूध डाइजेस्ट कर ले रहा है तो इसकी वजह से भी बच्चा बार बार पोटी कर सकता है, क्योंकि बच्चा छोटा है, उसका पेट बहुत छोटा है, उसकी भूख बहुत छोटी है, वो थोड़ी थोड़ी देर में दूध लेता है और उसे डाइजेस्ट करता है, थोड़ी थोड़ी देर में वो पोटी भी करता है। तो इस तरह से बच्चा बार बार पोटी कर सकता है, या फिर बच्चा दूध डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है इसकी वजह से भी बार बार बच्चा पोटी करता है। क्योंकि जब तक बच्चा गर्भ में होता है तो बच्चे को सब कुछ गर्भनाल से मिलता होता है, और जब अचानक से बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसे आपका दूध मिलने लगता है, तो वो दूध तुरंत उसको डाइजेस्ट नहीं होता, उसके जो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं वो अच्छी तरह से डेवलप नहीं हुए रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चा इस तरह की पोटी करता है। इसके अलावा एक वजह ये भी होती है कि आप जैसे कि जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के आती हैं घर पर, और आप एक जगह से, मतलब जैसे कि आप आई और 10-15 दिन के बाद में आप ससुराल से मायके गई हैं या फिर मायके से ससुराल में आई हैं, तो इस तरह से एक जगह से दूसरे जगह पर जाने पर वहाँ का खाना पीना सब कुछ चेंज होता है, वहाँ का हवा पानी चेंज होता है, तो जो बड़े लोग होते हैं उन्हें भी अक्सर इस तरह की तकलीफें हो जाती हैं। तो इसी वजह से बच्चे को भी ऐसी तकलीफ़ें होती हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाने पर उन्हें बार बार पोटी की शिकायत होती है। इसके अलावा अगर मदर किसी तरह की मेडिसिन ले रही हैं, उन्हें सर्दी जुकाम बुखार इस तरह की कोई समस्या है, वो किसी तरह की मेडिसिन ले रही हैं, तो इसकी वजह से भी बच्चा बार बार पोटी कर सकता है। या फिर बच्चे को इस तरह की कोई समस्या है, यानी बच्चा किसी तरह सर्दी जुकाम बुखार इस तरह का कुछ है, तो बार बार बच्चा पोटी कर सकता है। और इसके अलावा अगर बच्चे को टीका लगता है तो टीके के दौरान भी बच्चे अक्सर बार बार पोटी करते हैं, क्योंकि उस दौरान उनको बुखार भी आता है, तो इसकी वजह से भी बच्चा बार बार पोटी करता है, उनके शरीर में दवा इंटर करता है और जो बुखार आता है उसके लिए भी दवा दिए रहते हैं डॉक्टर, तो इसकी वजह से भी बच्चा बार बार पोटी करता है। इसके अलावा संक्रमित हो सकता है बच्चा, तो आपको एक बात ध्यान रखना है। इसके लिए मैं एक मेमोरी आपसे शेयर करना चाहूँगी कि अभी कुछ ही दिनों पहले मुझे एक कमेंट आया था कि मेरा बच्चा 7 महीने का है और वो 6 से 7 बार पोटी करता है। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने डॉक्टर को दिखाया है, तो उन्होंने कहा हाँ। मैंने पूछा डॉक्टर ने क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने कहा कि बच्चे को इन्फेक्शन है, उन्होंने दवाई दी और बच्चे को आराम हो गया, लेकिन बच्चा फिर से बार बार पोटी करने लगा। यानी बच्चे को इन्फेक्शन कहा डॉक्टर ने, और डॉक्टर ने जो दवाइयाँ दी थी उस दवाई से बच्चा ठीक हो गया, लेकिन बच्चा फिर से संक्रमित हुआ और उसे फिर से बार बार पोटी होने लगी। तो इसके लिए मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जब आप बच्चे को अपना मिल्क दे रही हैं, आपका जो कपड़े आप पहनती हैं वो हाइजीन हो, बच्चे को जो कपड़े आप पहनाती हैं वो एकदम साफ़ हो, स्वच्छ हो, बच्चे को जिस जगह पर आप सुलाती हैं उस जगह को आप चेक करिए, उसके चद्दर, उसके पेलो। अगर आप फार्मूला मिल्क दे रही हैं तो फार्मूला मिल्क जिस पानी में आप मिक्स करती हैं वो पानी अच्छी तरह से कम 20 मिनट तक उबला हुआ हो, जिस बॉटल में आप दे रही हैं वो बॉटल अच्छी तरह से धुला हुआ हो, यानी बॉटल को भी आपको गर्म पानी में धोना है, उसका जो निप्पल होता है उसे भी अच्छी तरह से ब्रश से धोना है, निप्पल में जो छेद होता है उस छेद में से अच्छी तरह से गर्म पानी को इस तरह से दबा दबा करके, निप्पल जब आप इस तरह से दबाती हैं तो छेद में से पानी बार बार निकलता है, तो छेद जो अंदर तक होता है वो भी अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है। तो साफ़ सफाई का आपको बेहद ध्यान रखना है। अगर आप अपना ब्रेस्ट मिल्क दे रही हैं, बच्चे को जब आप उठाती हैं तो आपका हाथ एकदम से साफ होना चाहिए, बच्चे को भी अच्छी तरह से आप साफ़ करके रखें, बच्चे के आसपास जो भी चीज़ें हैं वो साफ़ करके रखें। अगर बच्चा 0 to 3 मंथ का है तो भी, बच्चा 0 to 6 मंथ का है तो भी, उसके आसपास की सभी चीज़ें साफ़ रहेंगी, हाइजीन रहेंगी। वैसे हम कितना भी कर लें कुछ न कुछ रह ही जाता है, बच्चा संक्रमित हो जाता है, और ख़ासतौर से जब बच्चे 3 महीने से बड़े हो जाते हैं तो कुछ न कुछ उठा करके मुंह में डालते रहते हैं,
और कितना भी साफ कर लो, उनके जो खिलौने होते हैं, आसपास के कपड़े होते हैं, या फिर हमारे ही कपड़े जो होते हैं, बच्चे अक्सर मुंह में डालने लगते हैं, अपना हाथ मुंह में डालने लगते हैं, हाथ इधर उधर लगाते हैं, आप कहीं लेकर के खड़ी हैं और बच्चा किसी चीज़ को इस तरह से छू रहा है, उस चीज़ पर किसी तरह की धूल मिट्टी जमी हुई है, तो इस तरह से भी बच्चा संक्रमित हो जाता है। तो संक्रमण की वजह से भी बच्चे को इस तरह की समस्या होती है। इसके अलावा रोटा वायरस, रोटा वायरस एक ऐसा संक्रमण है जिससे बच्चे में बार बार दस्त होने की समस्या होती है, बच्चे को उल्टी होती है, डायरिया की समस्या हो जाती है। रोटा वायरस का टीका लगता है जो बच्चे के 2 मंथ में, 4 मंथ में, 6 मंथ में और 8 मंथ में लगता है। इसका ड्रॉप होता है, जैसे कि पोलियो का ड्रॉप पिलाया जाता है, इस तरह से बच्चे को रोटा वायरस का ड्रॉप पिलाया जाता है और ये सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में रहता है। तो आप इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं। अगर बच्चे को बार बार इस तरह की समस्या हो रही है तो एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखा दीजिए। अब यहाँ मैं नॉर्मल पॉटी के विषय में बता दे रही हूँ आपको। बच्चा पतली पॉटी बार बार कर सकता है, उसमें फटा हुआ दही जैसा भी रह सकता है या फिर थोड़ा बहुत ग्रीन रहता है, ये सब नॉर्मल होता है। लेकिन अगर बच्चे की पॉटी में एकदम पानी जैसी पॉटी हो रही है, उसमें थोड़ा बहुत ब्लड आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि बच्चा संक्रमित है। तो आप ऐसी परिस्थिति में तुरंत डॉक्टर के पास आइए। अदरवाइज़ जब बच्चा बार बार पॉटी करता है तो उसका दूध नहीं डाइजेस्ट हुआ हो सकता है, इसलिए बार बार कर सकता है, आप कहीं आई गई हैं इसलिए कर सकता है, बच्चा किसी तरह की मेडिसिन लिया है इसलिए कर सकता है, आपने किसी तरह का मेडिसिन लिया है इसलिए कर सकता है, आपने जो कुछ खाया पिया है, क्योंकि जो मदर ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं उनका जो डाइट होता है वो एकदम हेल्दी और एकदम लाइट होना चाहिए। यानी कम से कम 0 to 6 मंथ तक के बच्चे को जब तक आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, तो आप ऐसा स्पाइसी, तीखा या खट्टा भोजन न करें, क्योंकि ये बच्चे को जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता। यानी आप अगर ऐसा भोजन करती हैं तो आपका जो दूध बच्चा ले रहा है उसे अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं होगा, उसे अपच होगी, जैसे कि एसिडिटी, खट्टापन हो जाता है लोगों को उस तरह से। तो आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, आपको ऑयली, स्पाइसी, तीखा भोजन नहीं करना है, खट्टा भी नहीं करना है। यहाँ पर मैं आपको कुछ घरेलू उपाय बता दे रही हूँ। जैसे कि आपके बच्चे को नॉर्मल पॉटी ही बार बार हो रही है, लेकिन जो नॉर्मल नहीं होती, यानी बच्चे को ब्लड या फिर पानी जैसा हो रहा है वैसा नहीं, दस्त या डायरिया है वैसा नहीं, नॉर्मल पॉटी हो रही है, येलो कलर की है, फटी हुई है, साबुन के झाग जैसी है, ये सब नॉर्मल रहता है। तो ऐसा बार बार बच्चा कर रहा है तो आप अजवाइन का पानी पीजिए। 3-4 चम्मच अजवाइन आप एक टोप पानी में उबाल लीजिए और उबाल करके छान करके रख लीजिए। इस पानी को आप ढक करके रखिए और जब भी आपको पीना रहता है थोड़ा हल्का गुनगुना करके पीजिए। अजवाइन जो होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाता है। तो आप इस पानी को जब पियेंगी तो आपके दूध के जरिए उसके सारे तत्व तो आपके बच्चे को मिलेंगे, तो बच्चे को बार बार पॉटी या दस्त होने की जो समस्या है वो ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा सौंफ का पानी, 1 चम्मच सौंफ आप पानी में भिगो करके रख दीजिए और उसे छान करके आप पी लीजिए। ये अगर आप रात में सौंफ खाती हैं तो सौंफ से भी आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो अच्छा होता है, बच्चे को भी इसका फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा अजवाइन थोड़ा सा भून लीजिए तवे पर और उसे पीस करके उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिक्स कर लीजिए और आधा टीस्पून आप पानी के साथ में ले लीजिए, तो इससे भी बच्चे को बार बार दस्त होने की जो समस्या होती है वो समाप्त हो जाती है। क्योंकि 6 महीने तक ये सारी चीज़ें आप बच्चे को नहीं दे सकती हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप ये चीज़ें लीजिए और आपके दूध के जरिए सारे तत्व बच्चे को मिल जाएंगे। इसके अलावा ग्राइप वाटर जो होता है, इसमें भी बच्चे के पेट से संबंधित, यानी बच्चा जब बार बार दस्त करता है, नॉर्मल दस्त, यहाँ पर मैं एक बात बता दे रही हूँ आपको कि नॉर्मल दस्त जो होता है उसके लिए सारे घरेलू उपाय किए जा सकते हैं, लेकिन जो पतली एकदम पानी जैसी पॉटी है उसमें से स्मेल आ रही या खून है, उसके लिए आपको सिर्फ डॉक्टर के ही पास जाना है, चाहे बच्चा 0 to 3 मंथ का है, चाहे बच्चा उससे बड़ा है। ग्राइप वाटर भी दे सकती हैं, इससे भी बच्चे को बार बार दस्त होने की, पेट में कब्जियत होने की जो समस्या होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा हींग, अजवायन, सौंफ और थोड़ी सी मेथी, ये सबको आप एक साथ पीस लीजिए। यानी कि सौंफ और अजवायन जो है और मेथी, इसे आप थोड़ा सा हल्का फ्राई कर लीजिए और पीस लीजिए और उसमें हींग मिक्स कर दीजिए और थोड़ा सा काला नमक मिक्स करके उसका एक पाउडर बना करके रख लीजिए और सुबह सुबह आप खाली पेट इसे लीजिए, तो इससे आपका पेट यानी आपका स्टमक भी एकदम साफ हो जाता है और बच्चे को भी बार बार पॉटी होने की समस्या नहीं होती है, बच्चे का भी स्टमक एक बार में ही अच्छी तरह से साफ हो जाता है। तो ये कुछ घरेलू उपाय थे।
अब मैं यहाँ पर आपको बता दे रही हूँ कि 4 महीने के जो बच्चे होते हैं वो उनका टीथिंग प्रोसेस जो होता है इस दौरान भी बच्चे को बार बार पॉटी होने की समस्या होती है। बच्चा इधर उधर की चीज़ें उठा करके मुंह में डालता है तो इससे बच्चा संक्रमित हो जाता है और इसकी वजह से भी बच्चे को बार बार पॉटी और दस्त या उल्टी होने की समस्या होती है। बच्चा अगर 6 महीने से बड़ा है और उसे बार बार दस्त हो रहा है तो आप उसे ORS का घोल दे सकती हैं, दही दे सकती हैं, छाछ दे सकती हैं, नारियल पानी दे सकती हैं ताकि बच्चे के शरीर में पानी की कमी न होने पाए और बच्चे को डिहाइड्रेशन की शिकायत न होने पाए। अगर बच्चा छोटा है यानी 0 to 6 month का है तो आपको बार बार अपना ब्रेस्ट फीडिंग कराते रहना है ताकि बच्चे में हाइड्रेशन बना रहे और बच्चे को पानी की कमी न होने पाए। लेकिन अगर बच्चे को बार बार दस्त हो रहा है तो मैंने बताया आपको डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन अगर बार बार सिर्फ पतली पॉटी हो रही है तो आप ये जो मैंने घरेलू उपाय बताए हैं इसे अपना सकती हैं, सावधानियां कर सकती हैं। बच्चे के आसपास की सभी चीज़ों को साफ रखिए ताकि बच्चा संक्रमित न होने पाए। आई होप कि मैंने जो जानकारी आपको इस वीडियो में दी है इससे बच्चे के बार बार पतली पॉटी होने की क्या वजह होती है और आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है, कब आपको डॉक्टर के पास लेके जाना है, क्या कुछ घरेलू उपाय आपको अपनाना है, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि जो न्यू पेरेंट्स होते हैं उन्हें भी इनकी जानकारी हो जाए। इसी तरह के एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।